अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देखा ये यार, ये मेरे तो बस होश खवास, मतलब मैं जब देख रहा था मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भयानक चीज अंदर मौजूद है, अंधेरे में मौजूद है। यार आप करम की इंतहा देखें, दुआओं का नतीजा देखें। जब हमें पहली बार ये वीडियो भेजी गई थी और वीडियो में ही हमने वो वाटर टैंक देखा था कमरे के अंदर, वहां हमें महसूस हुआ था कि कोई गड़बड़ है वहां उसी वक्त दिन में। और जब वहां पहुंचे तो पता चला सांप का वाकया, उसी टैंक के अंदर सांप चला गया। बताएं कमरे के अंदर बंद टैंक में कैसे जाता, बताएं कि बता रहे थे कि अंदर लोग हैं, मैं पानी भर रहा था, ढक्कन खोला हुआ था, लेकिन कभी सांप आता नहीं अंदर। सही, वो खुद डरता है। आ गया, फिर इन्होंने जख्मी किया और इनकी बदकिस्मती कह लें कि इनके भांजे भतीजे ने उसको बेचारे को मार दिया। और जवाब जो मिला ना वो दे दिया उस बिल्ली ने। बिल्ली ने दुनिया से कमेंट्स हैं, मैं रात को देख रहा था, दुनिया से कमेंट्स हैं जिन लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं, जो ये शौक भी रखते हैं, जो उनके साथ बड़ा वक्त गुजारते हैं, सबका ये कहना है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल कैट। सही। एक तो शाम से ही ना हमें उस इलाके में ना भेड़ियों और कुत्तों की आवाजें आ रही थी, खौफनाक तरीन, रोने की। तीन दिन अकेला बंदा डर जाता, हम डर गए, तीन लोग मिलकर अकेला तो क्या हाल होता ना, जंगल। और वहां इतनी साफ सुथरी सफेद मोटी ताजी प्यारी खूबसूरत बिल्ली, ये ऐसी बिल्ली थी कि दिल करता था कि इसको ना बंदा उठा ले। जी जी, खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन। मैं आपको दिखाऊं, अपनी तरफ मतवजा करना नहीं होता। जी जी जी, ओए होए। और उसके लुक लाइक देखें, एक्सप्रेशन देखें, नॉट नॉर्मल कैट यार। यही होता है, हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जिस इंसान पर असर हुआ ना, चाहे वो सतराम हो या चाहे वो घरों के अंदर वो जो बकरी का बच्चा उठाया था। जी जी जी। उस सतराम ने क्या बताया था कि सफेद रंग का उसने खरगोश देखा रात को और वो रुक नहीं सका, उसके पीछे भागा पकड़ने, जैसे करीब गया उसके बाद उसको याद नहीं क्या हुआ। सही। तो छह लोग उसको काबू नहीं कर पा रहे, चार चार लोगों का खाना वो खा जाता, फिर हफ्ता हफ्ता भूखा रहता, इलाज चल रहा था उसका। घरों में जो बकरी के बच्चे को सफेद था वो भी, जी जी, उसको उन्होंने उठा लिया, वो बाइक पे लेके जा रहे हैं तो वजन बढ़ गया, बाइक आगे ना जाए, देखा तो उसकी दो टांगे वहीं है जहां से उठाया था और वो रबड़ की तरह लंबा उसका सर आ गया है लोगों को। अब ये सफेद रंग की बिल्ली, इसका आप शायद दिखाइएगा वीडियो में कि ये किया क्या है इसने। ये सबसे पहले पता है कहां नजर आई है? सबसे पहले नजर आई है उस दरवाजे पे, ये और ये दरवाजे का मैं आपको आप इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि ये दरवाजा मैंने दोबारा लॉक करवाया है। ये ना शाम से शोर कर रहा था, हमें लगा हवा से कर रहा है ना, तो कामरान भाई से मैंने कहा इसके पीछे भी पत्थर लगा दो, बड़ा ये हिले ना, वो पूरा जैम करके आए थे। सही। उसके बावजूद ये बार बार ना टक 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 जैसे कोई नॉक करता हो इसके ऊपर। और मैंने यहां तक कहा है प्रोग्राम में कि तुम तो चुप हो जाओ, दरवाजे को मैंने बोला कि तुम तो चुप हो जाओ भाई, तुम्हें कैसे रोके अब हम, इतना बड़ा ब्लॉक हमने यहाँ लगा दिया, इतना लगा दिया, बिल्कुल चिपका ब्लॉक भी अच्छे भारी, डबल डबल वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब जी जब मैं पलटा हूँ इस सब के बाद, तो यहाँ ये बैठी हुई थी काफी देर से, कब से बैठी हुई थी, ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई थी, हमें देख रही थी, ये यहाँ से निकली है, इधर चली गई है। सही। हम यहाँ खड़े हुए तीन लोग, तीन लोग ये इधर आई है, यहाँ से वहां चली गई और एंड में तौबा इस्तगफार उसी टैंक में जाती है, उसी टैंक वाले कमरे में जाती है। यार क्या है वहां पर, सब रिकॉर्ड है, ये सब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, आपको दिखाते हैं वीडियो में, ये मैं सिर्फ आपको कोई कहानी या कोई किताबी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रिकॉर्ड करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, हम खुद रिकॉर्ड करके लेके आए, हम कह सकते हैं हमारे पास वो विजुअल है, वो उनके शॉट की बातें नहीं है कि जो बता रहे हो उन्होंने जो कहा, हाँ
उसमें बिल्ली नहीं है जी, उन्होंने जो कहा उसमें हाँ, टैंक के नीचे से आवाजें नहीं आती हाँ, उन्होंने जो कहा टैंक के अंदर कोई मखलूक नहीं है सही, और मखलूक कोई खड़ी भी नहीं है, बाकायदा मूव हो रही है, मूव हो रही है, कोई इंसान कैसे खड़ा हो सकता है, अंदर सांस नहीं लिया जाता यार, वो बंद था टैंक। आपकी हालत देखी थी उस रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप पे पसीने ऐसे टपक रहे थे बूंद के कमरे के अंदर, और हम बाहर कमरे में थे जी, कमरे में थे, और वो टैंक बंद था सही, कोई एक दो घंटों से तो आवाजें आ ही रही थी हमें, हम समझ नहीं पा रहे थे आवाजें आ कहां से रही, जब तक हमारे पांव के नीचे वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई। ये तमाम फुटेजेस मौजूद हैं ऑडियोस के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। यार मुझे कई कमेंट्स आए, अच्छा। कई कमेंट्स आए जो काबिले गौर है, आप लोगों ने ही भेजे, जो मुझे खुशी हुई लोगों ने इसको यहां तक जो है ना एक्नॉलेज किया। सबसे पहली बात जी सुहेल भाई, ये है तूबा वहीद राणा। अच्छा, सुहेल भाई ने कहा कि ब्लू एंड गोल्डन नहीं, सिल्वर एंड गोल्डन है क्लियर कैट की आइस। ये आइस के मुतालिक जिनका कुछ कहना है कि इसकी आंखें जो है ना वो ब्लू नहीं है, ये सिल्वर और गोल्डन है, वाकई सुचराज सही, ये गोल्डन है ये सिल्वर है सही। देख रहे हैं आप यार सजाद, ये एक जंगल में इतनी सुथरी कैसे है, साफ सुथरी, साफ जो हमारी गली मोहल्ले की नहीं होती। और मैंने कई दफा बताया मेरी फुप्पी बिल्ली पालने की शौकीन है, वो नहलाती हैं इनको, वो सुथरा रखती हैं, वो दिन रात उनको साफ रखती हैं, उनके पास 15-20 हैं, और इस नस्ल के उनके पास भी नहीं, कान इतने लंबे, समझ में नहीं आ रहा मेरे साहब ने यहाँ तक कहा कि ये शायद एक पॉजिटिव मखलूक थी जो आपको बचाने के लिए आई थी, आपको इशारा देने आई थी, एक नेगेटिव थी सांप जिसको मार दिया उन्होंने सही, और ये पॉजिटिव थी इशारा देने आई आपको सफेद रंग की अलामत को देखते हुए कि भाई इधर गड़बड़ है ना, ये खुद चली गई वहां पर, बता दिया आपको कि मतलब यहां से मदद 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 पहुंची, ये बात भी पॉइंट एक भाई ने कहा था।